चले गए। सही, मैंने ठीक बोला ना हेड का सर? हाँ सही, आपको एक ही वो जो पूछ रहे थे आपको कहना चाहिए था कि भैया अकेले नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो, हाथ पर मार ठीक लो। है, वो सुनने को बेचैन थे कि कोई तो कह दे कि हाँ यार सिंगल सिंगल बन जाएगा। बन नहीं रहा था मेरे से, भी हाँ नहीं बन रहा था। हाँ सही है, सिंगल हम लिख सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि ही हैड बीन बीटन, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन इसके आगे पीछे वो अंडरस्टूड वाली फीलिंग होगी। नहीं सर मेरा मतलब ये था कि मतलब सिंगल सेंटेंस भी ऐसा आता है ना, जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब को पीटा गया था कल, तो अगर ये कोई बोल ऐसे रहा हिंदी था लिख दे ना कि कल डॉक्टर आगे। साहब को पीटा गया था, मान लो को हिंदी लिख देता है, मैं जरा ब्रेन वॉश कर ही दूं, इसलिए नहीं बोल रहा गलत था। फहमी के जो शिकार बच्चे हैं ऐसे। कल अब डॉक्टर को ही क्यों पीट रहे आप लोग यार, कुछ और करो। कल आगे, कल डॉक्टर की पिटाई थी। सोनू को पीटा गया था, पीटा गया था। अब कोई कहता कि भाई इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, तो जो अंग्रेजी को ढंग से जानता होगा वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि सोनू हैड बीन। अगर कोई ऐसे करता है कि सोनू हैड बीन बीटन यस्टरडे, हो सकता है स्कूल का टीचर करेक्ट कर दे, बट ये आपका इनकरेक्ट है, गलत है। वाज बीइंग अ गलत, दिस इज रॉन्ग। वाज आएगा, वाज सोनू वाज बीइंग अ सर बीटन यस्टरडे, वाज बीटन अ बीट नियर। तो आपकी हिंदी सुनकर के बहुत कम ही लोग होंगे जो हेडविन लगाएगा, वही लगाएगा जो खुद ही आपस अपने आप से लड़ रहा होगा, पीटा गया था ऐसा लग रहा है कि हो चुका था, हेड लगा देता हूँ, खुद ही से लड़ रहा होगा वो, एक हिंदी दूसरी हिंदी को काट रहा होगा। लेकिन जो सिचुएशनल इंग्लिश जानेगा वो हेडविन नहीं लगाएगा, वो नॉर्मली लगाएगा। हेडविन कब लगाएगा भाई? अगर मुझे सोनू के साथ हेडविन लगाना है तो मैं कैसे बोलूँगा? अगर मैं ऐसे कह देता हूँ कि यू नो सोनू हेडविन बीटन यस्टरडे, इसका मतलब है कि जरूर आगे कुछ बात है, दो लोग बात कर रहे हैं। हाँ सर, ये अकेला बनता नहीं है सर। हाँ अकेले नहीं बनेगा ना, अगर कोई हैड बीन बोल रहा है तो फिर वो कंडीशन अप्लाई कर गया, वो यहाँ दो लोग हैं। अब इसने बोला यू नो यार सोनू हैड बीन बीटन यस्टरडे, अभी कब बोलेगा? जैसे कुछ बातें हो रही कि यस्टरडे सम पीपल केम, सोनू वॉज अलोन इन द पार्क and some people came to beat him and he made me a call, I just went there to save him, ऐसा ही बोल रहा है। तो इसने बोला कि so did you save him? No यार, he had been beaten से पता चलता है कि इससे पहले कि मैं पहुंचता बेचारा पिट चुका था। ये फीलिंग आती है, I couldn't सर, save यहाँ him। तो बना दिया आपने, क्या कह रहे हैं? यहाँ तो बना दिया सर आपने, मतलब आपने सिंगल सेंटेंस ही बनाया ना यहाँ पे। मैं कह तो रहा हूँ कि सिंगल आप लिख तो दोगे, बोल तो दोगे, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड इतना है, इतनी कहानी, कुछ ये दो लोग आपस में पहले बात कर रहे होंगे तभी कुछ हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, सिचुएशन ये है कि ये है गिरीश, और गिरीश कल अपने घर पर नहीं था, लड़का नहीं था घर पर, लगा था ताला। यहाँ पर ये अनुज है, रवि अनुज, अनुज गया, ताला बंद था, सुबह 9 बजे की बात है, ठीक है, ये वापस चला गया। अब 2 घंटे बाद या अगले दिन ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पर गिरीश है और अचानक अनुज मिलता है, तो अनुज पूछता है हे बॉडी वेयर वर यू एट 9 o'clock यस्टरडे एट 9 AM, आई वेंट टू योर हाउस बट यू आर नॉट देयर। अब इसको एक सेंटेंस बोलना, बे कहाँ गया था बे, और इसको बोला बे यार मैं तो दिल्ली गया था, वो कहाँ गया था और मैं दिल्ली गया था, सिंगल सिंगल सेंटेंस है ना दोनों, यस और नो? यस ये दोनों सेंटेंस हेड में होने वाले हैं, यस सर, दोनों हेड में होगा। कैसे देख लीजिए, जो पूछेगा भाई कहाँ गया था यार, एक मिनट यार, वेयर हैड यू गॉन, वेयर हैड यू गॉन, वो बोलेगा यार मैं तो दिल्ली गया हुआ था, आई हैड गॉन टू दिल्ली। सर इसको लाइक कैसे भी कह सकते हैं, वी हैड, वेयर हैड यू बीन, नहीं हैड यू बीन तो नहीं बोलते, यस्टरडे वो हैड यू बीन नहीं होता, वो हैव यू बीन एक होता है, जब आप बताया था उस दिन ना कि आप बैठे हो परेशान हो कोई आ जाए कहाँ गया था। लेकिन मुझे बस जानना है कि यार जब मैं तेरे घर गया उस वक्त तू नहीं था, तो पूरी कहानी पीछे छुपी है ना, यानी कि वेयर हैड यू गॉन का मतलब ये है कि वेयर हैड यू गॉन व्हेन आई रीच्ड योर होम, जब मैं तेरे घर आया उस वक्त तू किधर निकला हुआ था, मतलब तू था ही नहीं। इस हेड का मतलब कि मैं घर पहुंचा, तो मैं पहुंचा तो तू नहीं था, यानी कि तू कहीं ना कहीं तो पहले ही तू निकल गया था मेरे आने से पहले,
अगर ये किताब होता तो और अच्छी तरह लिखा होता कि वेयर हैड यू गॉन, ऐसे लिखा होता, एक मिनट, गॉन बिफोर आई केम टू योर हाउस, कुछ ऐसे लिखा होता, योर हाउस, मेरे तेरे घर आने से पहले तू कहाँ चला गया था, ऐसा कौन बोलता है यार, किताबों में ही होता है। तो ये पुलिस वाला कह सकता है ना सर, मीडिया को, पुलिस वाला मीडिया को कह सकता है ना, डॉक्टर हैड बीन बीटन, हाँ बोल सकता है, तो उसके आगे पीछे बात नहीं होगी, अचानक सिर्फ इतना मुझे बोलना कि कल कल एक डॉक्टर पिट गया, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं सीधा ऐसे बोलूंगा कि डॉक्टर वाज बीटन यस्टरडे। अब मैं अगर हेडबिन बोलूंगा इसका मतलब है कि अच्छा मुझे जरूर कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ कि वो पिटता नहीं, बस वो कोई इसको बचाने आ रहा था या कुछ होने वाला था उससे पहले पिटने का काम डन, तब ही जाकर वो हेडबिन आएगा कि व्हेन व्हेन द पुलिस पुलिस ऑफिशियल्स वर अबाउट टू रीच बट जस्ट बिफोर दैट डॉक्टर हैड बीन बीटन, बिफोर दैट ही हैड बीन किडनैप्ड। यानी कि अगर आपको सिंगल बोलना है तो आप या तो ऑलरेडी का सहारा ले लो, कुछ ऐसा सहारा लो ताकि वो पूरी फीलिंग दे दे, मैं बोलूं कि ही हैड ऑलरेडी बीन बीटन, तो इसमें सब पता चल गया, इसमें पूरी कहानी पता चल गया, वो तो पहले पिट गया था तो क्या बात कर रहा है, पहले पिट गया था। ठीक है, जो ये पूछ रहे थे सिंगल सिंगल कुछ आ रहा है आगे सर, आ गया, थैंक यू सर। पूछ रहे थे अवधेश, पूछ रहे थे अवधेश, यस जी सर, जी सर भाई, ये सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना हमारे लिए, जोर से बोलिए, मेरे माइक में प्रॉब्लम, क्या कह रहे हैं सर, इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना हमारे लिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए, मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूं, ये सेव हो गया। एनीवेज और सर एक चीज और पूछनी थी, क्वेश्चन था मेरा, कल मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो सपोज मैं कुछ पास्ट की स्टोरी कर रही थी जिसमें था कि मैंने मैनेजर का एक पिक्चर बनाया और इसको डेस्कटॉप पे लगाया, जब कभी मुझे गुस्सा आता था तो उसका पिक्चर निकाल कर मैं अपने पैरों से कुचल देती थी तो कैसे बनेगा वो, वाह रुचि बड़ा गुस्सा है, ओके अब तो ये भाई, इसको तो मुझे लगता है कुछ बच्चे जो यहाँ न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं वो लोग ट्राई कीजिए, इनका कहना है कि इन्होंने ये है रुचि, सिचुएशन देख लीजिए कि कौन सी इंग्लिश आएगी, ये रुचि है, इन्होंने एक पिक्चर बनाया है, डेस्कटॉप पे बनाया था, कंप्यूटर पे बनाया था, नहीं नहीं उसमें बनाया था, पेपर पे बनाया था, डेस्कटॉप पे चिपका लिया था। अच्छा पेपर पे इन्होंने बनाया पहला काम, दूसरा काम इन्होंने क्या किया, उसको डेस्कटॉप पे रख लिया, उसको चिपका लिया था वॉल पे, वो अच्छा वॉल पे चिपका लिया, जी जी ठीक है, ये पेपर को चिपका भी दिया, ये दूसरा नंबर काम है, और तीसरा है कि जब भी, और जब कभी मैनेजर से लड़ाई होती थी गुस्सा आता था मुझे तो मैं उसको पेपर को निकाल के पैरों से कुचल देती, जब भी गुस्सा आता था, यानी कि आता था तो कभी कभी आता था, और जब भी ये होता था तो इनका रिजल्ट क्या होता था कि ये उस पेपर को निकालती थी, पैरों पे डालती थी और कुचलती थी। चलो जी, और फिर दूसरा बनाती थी, और फिर दूसरा पिक्चर, ओहो, और फिर एक और पिक्चर बनाती थी, एक और पिक्चर बनाती थी। भाई वाह, आई एम वंडरिंग कि रुचि की अगर सासू माँ से लड़ाई होगी तो क्या होगा रुचि। सो शी नीड अ पेपर, यस शी रोट ऑल द टाइम शी नीड्स अ पीस ऑफ पेपर, राइट, और कभी हस्बैंड से लड़ाई हो तो फेस टू फेस, तो पेपर की जरूरत ही नहीं, वही चालू, स्लैप, सो गाइस इसको बना के देखते हैं, है मजेदार, कोई ट्राई करना चाहेगा, एनीवन, यस सर, सर आई विल, हां तो मैं सर लाइक सर सी ये तो इनडेफिनिट, नहीं नहीं आई करके बात कीजिए, खुद अपनी मान लीजिए आप रुचि हैं, आप खुद को आई करके बात कीजिए, आई ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ माय बॉस, अब इसको इसको पास्ट में बोलना है कि स्क्रैच सर, पर ये तो डेली की बात करिए ना, जब भी गुस्सा आता था तब बनाती थी, फिर कुचलती थी, फिर बनाती थी, फिर कुचलती थी, तो ये तो एक्टिविटी हो गई, हाँ एक्टिविटी हो गई, अगर ये अभी भी ऐसा करती है तब तो पक्का आप सही जा रही है, लेकिन ये कह रही नहीं हाँ। पहले मैं ऐसा करती थी, अगर ऐसा है तो सर ये तो बोल रही है अभी भी करती हूँ, फिर से बनाती हूँ, पिक्चर ऑफ हर बॉस, अच्छा मुझे तो आई बनना है ना सर, आई ड्रू अ पिक्चर ऑफ माय बॉस
आप ड्रॉ कीजिए, बनाना है ना आपको. Sir, I drew a picture of my boss. Whenever I got angry with him, I put that picture on the ground and sir, क्या बोलेंगे उसको? On the wall. Stick on the wall. Stick on the wall. Stick on the wall. Then whenever I got angry with my boss, I took out that picture from the wall and put it on the ground and crush it. फिर उसको क्या कहेंगे? Crush कर देती थी. Crushed it. ठीक है, देखिए अंग्रेजी कहता है कि आप इसको second form से बना सकते हैं. आप कहीं कहीं पर यहाँ पर क्या क्या लगा सकते हैं? Used to sir. Used to wood दोनों आते हैं. और आप कहीं कहीं पर wood भी लगा सकते हैं. सेकेंड फॉर्म में इन्होंने जो बनाया एकदम करेक्ट बनाया. सेकेंड फॉर्म बिल्कुल चलता है, लेकिन वो बार बार ऐसा होता था, अब नहीं होता. उसके लिए ये दोनों बड़ा फेमस है, यूज्ड टू और वुड. तो आप बोल सकते हैं कि अर्लियर आई हैड अ हैबिट, आई यूज्ड टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ माय बॉस. तो मजा भी आएगा बोलने में. एक बार यूज्ड टू बोला, फिर अगली बार उसमें वुड कर दो कि आई वुड स्टिक इट ऑन द वॉल एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट एंग्री आई वुड टेक इट बैक, पुट इट ऑन द ग्राउंड एंड वुड क्रैश इट, क्रश इट. तो इस तरीके से हाँ जी, हाँ जी, देखिए रिकॉर्ड सर जी, रिकॉर्ड नहीं हो रहा सर जी. हाँ जी बोलिए ना सर. सर जी, यूज्ड टू और वुड दोनों का मीनिंग सेम आता है क्या? एक्शन में सेम आता है, दो जगह सेम नहीं आता. एक मिनट, मतलब सर मैंने ना एक व्हेनेवर आई रीड द न्यूज़पेपर आई ऑलवेज सी वन सेंटेंस लाइक मेड के साथ में कि अ रेड इज मेड कंडक्टेड लाइक दैट. हां, रेड के साथ कंडक्टेड आता है, करेक्ट है. रेड के साथ कंडक्ट वर्ड आता है. सर टुडे यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट करने का होता है तो मेड के साथ भी कुछ, मतलब मैंने देखा है सर. कोई ना, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए. एक पिक्चर भेजी थी सर, आपने एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट्सएप पे. मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको ऑडियो भेजा है. वुड वाला तो सबको पता है कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इससे पता चल गया कि मैं क्रिकेट पहले खेलता था, अब नहीं खेलता हूँ. इसकी जगह हम वुड बोल सकते हैं कि आई वुड प्ले क्रिकेट. यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं. कहाँ पे नहीं हम बोल सकते हैं? हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं. जैसे कि आई यूज टू बी एन इनोसेंट बॉय. अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई वुड बी एन इनोसेंट बॉय, एक मिनट, तो ये गलत हो जाएगा. यानी कि आपका रॉन्ग हो गया. यानी कि हम यूज्ड टू की जगह वुड भी नहीं लगा, यूज्ड टू बी की जगह वुड भी नहीं लगा सकते हैं. ठीक है भाई, जिन्होंने पूछा है. जी जी. अगर मैं कहूं कि आई यूज्ड टू हैव सिक्स पैक्स, यानी कि पहले मेरे सिक्स पैक्स हुआ करते, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आई वुड हैव सिक्स पैक्स. ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग. यानी कि स्टेट ऑफ पोजीशन भी नहीं बोल सकते, स्टेट ऑफ बीइंग भी नहीं बोल सकते, सिर्फ एक्शन, ईट, गो, प्ले, ये सब बोल सकते हैं. एनीवेज, मैं मुझे आपको ये दिखाना है. आपको दिखाई दे रहा है ये? यस सर.
मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अंग्रेजों की तरह सोचो, तो मैं कुछ सोच के ही कहता हूँ, ऐसे नहीं कहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, पहले इसको देखिए, यहाँ पर है कि दे आर प्लेइंग टेनिस नाउ, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब सबको पता है कि जो करंट में हो रहा है वो तो है ही, ये तो सबको पता है। अभी ये दो लोग टेनिस खेल रहे हैं, एक मिनट, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि दे आर प्लेइंग टेनिस। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बंदा टेनिस खेल नहीं रहा है, ही इज प्लेइंग टेनिस टुमारो, यानी कि टेनिस से कल खेलेगा। आज ये बंदा खड़े होके कल के बारे में सोच रहा है कि अच्छा आज मंडे है ना, ट्यूजडे को मैं क्या करूंगा, मैं टेनिस खेलूंगा, इसने प्लान बना लिया है। अभी विल नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो। अगर ये किसी को फोन भी करके बोले, कोई बोले कि अच्छा यार कल क्या कर रहा है, अरे आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, ये ऐसा नहीं बोल सकता कि आई विल प्ले, ये विल की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहा है। ऐसा ये क्यों कर रहा है, अंग्रेज क्या इसका मतलब समझते हैं, देख लेते हैं गाइस, एक मिनट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि आई एम डूइंग समथिंग टुमारो, इसका मतलब है कि आई हैव अरेंज्ड टू डू, आई हैव अ प्लान टू डू। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई फ्यूचर का टाइम लगा दो, टुमारो लगा दो, नेक्स्ट वीक लगा दो, यू नो नेक्स्ट मंथ लगा दो, अगर कोई फ्यूचर का टाइम आपने लगा दिया, इसका मतलब हिंदी में ना सोचो कि मैं खरीदने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, रहा नहीं है, इसका मतलब है कि आपने प्लान बना लिया है, आपने सारी अरेंजमेंट्स कर ली। मतलब आप कहते हो कि आई एम गोइंग टू मुंबई, यानी कि आपने टिकट टिकट भैया बना लिया है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो, आपकी अरेंजमेंट हो चुकी है। आप अगर कल क्रिकेट खेलोगे और प्लानिंग है, आपने बैट वैट ले लिया है, आपने अपने दोस्तों को फोन करके सब पक्का कर लिया है, तो पक्का का मतलब है अरेंजमेंट, यानी कि आपकी प्लानिंग भी है, अरेंजमेंट भी है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, फुल अलाउड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेज कह रहा है, कभी सोचो कि सर जी बस खुद ही ऐसा बनाते हैं, ये अंग्रेज कह रहा है, ऊपर से इतने बड़े राइटर, ये कौन सा राइटर है, मुझे लगता है रेमंड मर्फी होगा ये, रेमंड मर्फी, और इसको मैंने ही फेमस किया है कसम से रेमंड मर्फी को, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा जो मैंने अनाउंस किया होगा बार बार तभी नहीं तो आप लोग वही केपी ठाकुर, आरपी सिन्हा, ये लूसेंट, ये फलाना, इसी चक्कर में थे आप। एनीवेज, अब यहां पर देखिए, ये लड़की है, इसके हाथ में है कॉन्सर्ट टिकट, टिकट है, यानी कि टिकट इसने खरीद लिया, मतलब अरेंजमेंट हो गई है। अब टिकट विकेट खरीद लिया, तो लड़की क्या कह रही है कि आई एम गोइंग टू कॉन्सर्ट टुमारो, क्या ये गोइंग टू की जगह विल बोलेगी, यहां पर नहीं चलेगा। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसका टीचर भी बोलेगा मैं कॉन्सर्ट जाऊंगी, अच्छा गी आ गया, लगा दे बेटा विल, वो ऐसे सोचेगा। अंग्रेज को ऐसा होना चाहिए कि क्या मेरी प्लानिंग है या सिर्फ मैं ऐसे कह रही हूँ मैं जाऊंगी, प्लानिंग है तो अब हिंदी में गी भी आएगा ना, तो अंग्रेजी में ये कंटिन्यूअस निकलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग टू कॉन्सर्ट टुमारो। ओके, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि सोफी इज गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑन फ्राइडे, तो हम मैंने बोला सोफी इज गोइंग टू, मैंने यहाँ पर विल क्यों नहीं बोला, क्योंकि सोफी का डेंटिस्ट के पास जाने की प्लानिंग हो गई है, तय तमन्ना हो गया, यानी कि शी हैज एन अपॉइंटमेंट। तो अगर मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है कि अच्छा मंडे मैडम जी मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं ये बोलूंगा, किसी को भी जब खबर सुनाऊंगा ना, पता है मंडे ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो आई एम गोइंग टू डॉक्टर, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, आई एम गोइंग टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आई एम गोइंग टू फलाना हॉस्पिटल, ऐसे होगा। वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड, तो नेक्स्ट वीकेंड की प्लानिंग बन गई है, तो हम वी विल हैव ना बोल करके वी आर हैविंग कह रहे हैं। आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स टुनाइट, अब मुझे आपकी आज रात की प्लानिंग जाननी है, तो उगलवाने के लिए भी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलूंगा, हे आर यू मीटिंग योर फ्रेंड्स टुनाइट, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। इसकी जगह कई लोग सोच रहे हैं क्या मैं गोइंग टू लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकते हैं, अभी मैं सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा हूँ, गोइंग टू भी बताऊंगा। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, मुझे जानना है कि भाई श्वेता कल शाम को क्या करोगी, तो मुझे उसकी प्लानिंग जाननी है, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बोलूंगा, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग, व्हाट आर यू डूइंग ऑन संडे, ऐसे। आई एम नॉट गोइंग आउट टुनाइट, यानी कि मेरी आज रात की कोई प्लानिंग नहीं है, तो प्लानिंग नहीं है भी फिक्स्ड है, तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट गोइंग आउट टुनाइट, आई एम स्टेइंग एट होम, मेरी प्लानिंग है मैं घर पे ही रहूंगा, आई एम स्टेइंग एट होम। तो यू कैन ऑल्सो से आई एम गोइंग टू डू समथिंग, यहाँ लिखा है ना, आप इसकी जगह गोइंग टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे अगर है कि आई एम प्लेइंग कर लेते हैं, जैसे कहीं है प्लेइंग,
मतलब आई एम प्लेइंग क्रिकेट आई एम प्लेइंग टेनिस हां प्लेइंग टेनिस की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों यहां पर प्लानिंग को दिखाता है और आपको समझा दूं ये रहा आपका गोइंग टू ये गोइंग टू है गोइंग टू में क्या कह रहा है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग आई एम गोइंग टू वॉच टीवी दिस इवनिंग बात वही है ना कि अभी आज शाम को अभी शाम हुआ नहीं है आज शाम को ये क्या करेगा टीवी देखेगा तो ये गोइंग टू वॉच भी कह सकता है और आई एम वॉचिंग भी कह सकता है दोनों अलाउड बट गोइंग टू बोलने में थोड़ा अच्छा सा लगता है यानी कि देख लो अभी ये मॉर्निंग में खड़ा है लड़का ये मॉर्निंग है ना लिखा है ना मॉर्निंग और इसने प्लानिंग बना लिया इवनिंग का अभी इवनिंग फ्यूचर है अभी इवनिंग आया नहीं है इवनिंग की प्लानिंग देखो इसके दिमाग में देख रहे बुलबुले उठ रहे हैं ये दिमाग में इसकी प्लानिंग चल रही है कि आज शाम को तो बेटा टीवी देखूंगा अब प्लान बनाने पे विल नहीं बोल सकता या तो बोले कि आई एम गोइंग टू वॉच टीवी या आई एम वॉचिंग टीवी शी इज गोइंग टू वॉच टीवी दिस इवनिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे देख उस लड़की को उसकी प्लानिंग है भाई शी इज गोइंग टू वॉच टीवी तो गोइंग टू के ना एक्चुअली दो मतलब होते हैं एक तो ये मतलब हो गया बिल्कुल जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये गोइंग टू सेम मीनिंग रख रहा है साफ यहाँ लिखा हुआ भी है जैसे अगर ये बंदा कह रहा है कि आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो आई एम प्लेइंग टेनिस की जगह ये भी कह सकता है कि आई एम गोइंग टू प्ले आई एम गोइंग टू फिर प्ले करना पड़ेगा आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस और गोइंग टू को अगर ये अंग्रेजों के स्टाइल में थोड़ा और छोटा कर दे तो क्या हो जाएगा ये गोना हो जाएगा कि आई एम गोना प्ले टेनिस टुमारो यहाँ तक दोनों सेम है लेकिन गोइंग टू का एक और मतलब होता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं होता है वो क्या मतलब होता है देख लीजिए यहां पर ये बंदा है और इसने यहां पर बादल देख लिया अब ये कह रहा है इट्स गोइंग टू रेन लिखा है ना इट्स गोइंग टू रेन यानी कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन अब कोई चीज एकदम होने वाला है समथिंग इज गोइंग टू हैपन का मतलब वी कैन सी नाउ दैट इट इज श्योर टू हैपन आप बादल देख करके आपको 99% अंदाजा हो गया कि नहीं यार ये बारिश होगी अभी हुआ नहीं है बट पक्का कुछ होने जा रहा है तो हम ये अंदाजा लगाते तो गोइंग टू का एक मतलब आपका हो गया गेस करना अंदाजा लगाना तो गोइंग टू के दो मतलब हो गए एक तो वाकई प्लानिंग और दूसरा अंदाजा और एक तीसरा मतलब भी होता है कि आप वाकई तौलिया लेके बाथरूम में जा रहे हो बिल्कुल अभी के अभी जा रहे हो तो वो भी कह सकते हैं नो आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ क्लियर कुछ हो रहा है यस सर लुक एट द स्काई इट इज गोइंग टू रेन तो गोइंग टू रेन का मतलब साफ देख लीजिए कोई वाला वाली नहीं है गोइंग टू का मतलब अंग्रेजों को अंग्रेजी में ही वो समझते हैं समथिंग इज गोइंग टू हैपन यानी कि वी कैन सी नाउ दैट इट इज श्योर टू हैपन तो मैं कह रहा हूँ इट इज गोइंग टू रेन यानी कि पक्का श्योर टू हैपन अभी हुआ नहीं बट होगा पक्का 99% तो होगा क्योंकि दिख गए अगर यहाँ अंदाजे में भी यूज कर सकते हैं ना सर दोनों में अंदाजा है बट सबसे तगड़ा वाला अंदाजा है मान लो यहाँ एक लड़का है और ये लड़का एक मिनट ये लड़का एक लड़की बैठी है और ये लड़का उस लड़की को एकदम छेड़े जा रहा है कमेंट मार रहा है फ्लाइंग किस तक दे रहा है अब मैं कह रहा हूँ बेटा यू आर गोइंग टू बी बीटन यानी कि पक्का तू एकदम 99% तो बेटा पिट लिया होने जा रहा है यू आर गोइंग टू बी बीटन समझ में आ रहा है ना हम कह सकते हैं तो बेटा पिटा पिटने वाला है यानी कि प्लानिंग दिखता है कि एकदम श्योर कि कुछ हम रिजल्ट पहले हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट का अंदाजा हम लगा रहे हैं हमने बादल देखा इस बादल ने बता दिया कि अच्छा बारिश होगी तो इतना पावरफुल बादल है तभी अगर पावरफुल नहीं होता तो फिर हमारे पास माइट है ना मॉडल इट माइट रेन इट मे रेन बहुत उपाय हैं तो गोइंग टू माइट और मे से तो तगड़ा है चलिए और कुछ लिखा है और डियर व्हाट अबाउट मस्ट Must. वो तो खैर सबका बाप है ही तो कोई बात ही नहीं ओ डियर इट्स 9 o'clock एंड आई एम नॉट रेडी आई एम गोइंग टू बी लेट अब ये कह रहा है आई एम गोइंग टू बी लेट यानी कि इसकी एक्टिविटी हरकतों से पता चल गया कि अब लेट हो जाएगा जैसे मान लीजिए कि श्वेता को पार्टी में जाना है अब श्वेता का जो फेवरेट ड्रेस है उस पर आयरन ही नहीं है श्वेता अब आयरन करने बैठे आपने अपने हस्बैंड को बोला ए कम ऑन डार्लिंग कम ऑन आयरन माय ड्रेस और आयरन करते करते लेट हो गया अब आप कह रहे हो नो आई एम गोना बी लेट टुडे आई एम गोना बी लेट का मतलब है कि फुल चांस है कि मैं लेट हो जाऊंगी इसीलिए आई एम गोइंग टू बी लेट यानी कि ये कब इसने बोला कि भाई 9 बज गए हैं 9 o'clock now
और अब तक वो तैयार नहीं है, तो यानी कि अब तुरंत पार्टी होने वाली, तो लेट हो जाएगा बंदा। ठीक है जी, तो इतना एग्जाम्पल काफी होगा। अब आते हैं जो मैंने प्लान किया था कि आपको क्या क्या सिखाना है, आप लोगों ने अपना ही पूछ लिया कुछ। अब आइए अपने प्लानिंग पे चलते हैं। सारे लोग चले गए कि है भी, सब चुप है? Yes, sir, है, yes, sir, है ना? We are here. Whenever you teach grammar, sir, everybody listen very carefully. It's already 7:04. I'm going to be late. Sir, which book is this, sir? भेज दूं क्या? भेज दूं? भेज ही दिया था मैंने। Yes, sir. Sir, no, I didn't receive. ठीक है, मैं live अभी भेजता हूँ, बताना मुझे, अब भी भेजता हूँ। मेरे पास ऐसी सी किताब है, एक बार आप बस मांग के देखो। जो सो वोकैबुलरी, गिव मी सम वोकैबुलरी। ठीक है, यस सर। सर, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड थर्की बाबा इन इंग्लिश? लेक्चरर्स कह सकते हैं, लेक्चरर्स अच्छा वर्ड है। लेक्चरर्स सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेस्चर्स? हाव भाव, कोई हाथों से इशारा करे, आंखों से करे, सब हाव जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज लेक्चरर्स वो होता है जो, टर्की का मतलब क्या, वन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट सेक्स, दैट इज टर्की। इट मींस कि वो लेक्चरर्स है।